नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शांता प्रसाद का हर लफ्ज सर आंखों पर, अब्बा का हर लफ्ज सर आंखों पर। आइए बैठिए। अब्बा को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि उनका काम हो गया है, अब मिस्टर साहब का साला ग्रेनाइट का काम शुरू कर सकता है। ये रहे उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, मैंने सब पे साइन कर दिया है, लीजिए। इंस्पेक्टर ये शट अप। तुम्हें रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार जी साहब, पकड़ लो इन दोनों को। ले चलो, मेरी बात चलो तुम भी। चलो नीचे उतारो इन दोनों को। अरे आप लोग कहाँ ले आए हमें? ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। अगर हम असली पुलिस वाले होते तो ले जाते तुम्हें पुलिस स्टेशन। देखो, ये हमारा स्टेशन है, समझे? मेरी बात को सुन लीजिए। चलो चले चल। आइए आइए ग्रेनाइट डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहब, आइए। आखिर मिनिस्टर के साले को कॉन्ट्रैक्ट दिला ही दिया, वेरी गुड। कौन से हाथ से दस्तखत किए थे जरा देखें तो सही? इसी हाथ से ना? बहुत लंबी हैं इसकी उंगलियां। भतीजे, इन्हें छोटा कर देते हैं। नहीं, मंत्री जी देखिए इसमें क्या आया है। देखिए सर क्या है, देखिए देखिए। आपके ग्रेनेड अफसर की उंगलियां। तुम जाओ। हेलो, उंगलियां मिल गई। कौन है? इसके बाद हाथ मिलेगा और फिर कटा हुआ सर। क्या? तुम्हारे आदमी और तुम्हारे साले के कॉन्ट्रैक्ट के कागज हमारे कब्जे में है। वैसे भी तुम्हारी सरकार माइनॉरिटी सरकार है, अगर इस ग्रेनाइट घोटाले की बोम्बा बोम अखबारों में हो गई सरकार गिर जाएगी। कौन बोल रहा है? मंत्री महोदय, 1 करोड़ में सौदा महंगा नहीं है। अगर सरकार को बचाना चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो। हेलो 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 हेलो, मैं मंत्री इम्तियाज हुसैन बोल रहा हूँ, शांता प्रसाद जी को फोन देना। अब्बा, मिनिस्टर साहब का फोन है। हाँ इम्तियाज भाई, बोलिए। अरे क्या बोलूं शांता प्रसाद जी, किसी ने आपके आदमी और ग्रेनाइट अफसर को किडनैप कर लिया है और उस ग्रेनाइट अफसर की उंगलियां काटकर हमारे पास भेज दी है और धमकियां दे रहा है, कहता है 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साले को मिला, यह खबर अखबारों में छाप देगा। शांता प्रसाद जी, आप तो जानते हैं सरकार माइनॉरिटी है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार गिर जाएगी। आप कुछ कीजिए शांता प्रसाद जी। इम्तियाज भाई, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आप फिक्र ना करें, आप मुझ पे छोड़ दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ओके। सुदामा, मुस्तफा कहाँ है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर अस्सलाम अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू मुस्तफा मुस्तफा नहीं गुलाम है मुस्तफा मेरे लोगों को भेज दो गोपाल कागजात उनके पास दे दो अस्पताल ले जाओ ले गिन ले एक दो तीन चार पांच छह सात किसके लिए काम करता है मैं नहीं बताऊंगा किसके लिए काम करता है तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले मैं नहीं बताऊंगा अगर बता देता तो जान से मार देता खाली एक ही धंधे में तो ईमानदारी बची है आगे जाके कुछ तो बनेगा तू सलाम मुस्तफा भाई वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम अब्बा वालेकुम सलाम मुस्तफा मुझे पता था एक तू ही है जो मेरी इज्जत बरकरार रख सकता है लेकिन अपना आदमी हाथों से लाचार हो गया है उसके घर की देखभाल करना हमारा फर्ज है अब्बा हो जाएगा अपनों के लिए तेरे दिल में कितना रहम है ये तो आपका कर्म है अब्बा
तूने अब्बा बोलना क्या शुरू किया, मैं शांता प्रसाद में तो पूरा जगत अब्बा बन गया। लेकिन एक बात कहूं, तेरे अब्बा बोलने में जो सच्चाई है ना मुस्तफा, वो किसी में नहीं है। वक्त क्या हो गया अब्बा? मेरा तो हो गया। मेरा भी हो गया मुस्तफा। मैंने देखा है तू तो अपनी नमाज में कभी खाड़ा नहीं करता। कुछ उसूल है अब्बा जिन्हें पाबंदी से निभाता हूँ। उसूल का तो पक्का है मुस्तफा, लेकिन आज तो आपके लिए उसूल तोड़ दिया। जुम्मे के दिन मारा मारी की, उसके बाद अगर मेरा कोई है तो आप हैं, ऊपर अल्लाह नीचे अब्बा। बैठ बैठ बैठ। अब देख मुस्तफा, उस आदमी की जगह हमें गवर्नमेंट में कोई दूसरा आदमी तो रखना ही पड़ेगा। अगर सुदामा को वहां लगा दे तो क्यों? सुदामा करेगा नौकरी? क्या वहां नौकरी करेगा? नहीं नहीं मुस्तफा भाई, मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ, मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है। हाँ कहते तो नौकरी मिल जाती। सारा अंगूठा बात दर्द नहीं मुस्तफा भाई। क्यों इसकी टांग खींच रहा है यार? तुम मियां महादेव की जोड़ी वाकई एक मिसाल है यार। अब्बा इम्तियाज साहब से कहकर वहां कोई शरीफ आदमी बिठा दो, बाद में उसे मना लेंगे। हाँ चलो, अल्लाह ने बंदे को याद किया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाग्यलक्ष्मी, ओ भाग्यलक्ष्मी, मुबारक हो, मेरे प्रमोशन हो गई है, ये लो मिठाई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बड़े ऑफिस में बदली भी हो गई है। सब मेरे भगवान की दया है। विद्या, विक्रम आया। अरे सुनो, क्या बात है मामा? क्या बात है मम्मी? तुम्हारे डैडी की प्रमोशन हो गई है। कांग्रेचुलेशंस डैडी। क्या बात है। अरे 900 रुपए का इंक्रीमेंट मिलेगा, मतलब तनख्वाह कितनी हो गई जानती हो? कितनी कितनी? 3900। 4000 में 100 रुपया कम। गणपति बाप्पा मोरिया। अब देखो 500 रुपए प्रोविडेंट फंड में कटेंगे, 700 रुपया लोन, 600 रुपया इस घर का किराया, घर खर्चे का 1300 रुपया, मतलब 5, 7, 12, 6, 18, 31। अरे 800 रुपए पूरे बचेंगे। 800? सबसे पहले एक काम करते हैं, आपके लिए 2-3 जोड़ी नए कपड़े बना लेते हैं। अरे भाई नई ऑफिस में जाओगे, ठाट से जाना चाहिए। और तुम्हारे लिए एक नई साड़ी। नहीं नहीं, विक्रम की इंजीनियरिंग के लिए और विद्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं। अरे पर कोई फालतू खर्चा नहीं। अरे नहीं बोला ना। नहीं, सबसे पहले हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारे अस्थमा का इलाज करवाएंगे। हाँ अरे मेरा इलाज कराएंगे तो बचेगा ही क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा बचत तुम्हारे ठीक होने के बाद कर लेंगे। अरे बेटा भली चंगी तो हूँ मैं। नहीं मामा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा इलाज, है ना डैडी? यस। अरे कभी कभी तो अटैक होता है मुझे, उससे क्या होता है, आप समझाइए ना इनको। भाग्यलक्ष्मी बच्चे ठीक कह रहे हैं। हाँ चल गन्ने का रस पिला मेरे को। नहीं नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर शर्त काय को लगाया? पिलाता है पिलाता है। अब कहाँ से पिलाएगा? तेरे नाम से उधार में पिलाएगा, जब पैसा कमाएगा तब वापस आएगा। चला। ले ले रे। सलाम मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम। ऑफिस में नए आदमी की पोस्टिंग हो गई है तो अब्बा ने कहा है उसे अपने तौर तरीके समझा दो। पैसे दे दे उसको। सलाम साहब। सलाम सर। कौन है आप? मुस्तफा। आपका अपॉइंटमेंट है? वो मैं नहीं लेगा। आइंदा अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। आप बाहर जाइए। तुम्हारे पहले इस कुर्सी पर हमारा आदमी बैठता था तो? ये पूरा ऑफिस अब्बा का है। अब्बा? अब्बा कौन? शांता प्रसाद। नाम सुना हुआ लगता है। अब्बा जो चाहते हैं वही यहाँ होता है, होना चाहिए। अब्बा का हर लफ्ज सर आंखों पर। देखो कानून जो कहेगा वही सिर्फ यहाँ होगा, कानून का हर लफ्ज सर आंखों पर। पैसे तुम्हें बराबर मिलते रहेंगे। कैसे पैसे? पैसे। तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? इनाम, दस्तखत करने का इनाम। रिश्वत लेना पाप, देना पाप। ये ऑफिस मेरा मंदिर है, इसकी वजह से मेरा घर चलता है। इन फाइलों को बेचना मतलब भगवान को बेचने के बराबर होगा।
ये मीठा डंडा है, इसे खा सकते हो और खा भी सकते हो। कैसे खाना है सोच लो। सुनो, तुम्हारे पैसे। शांता प्रसाद जी, ये दयानंद दीक्षित इतना बड़ा ईमानदार आदमी निकलेगा ये मालूम नहीं था। इम्तियाज भाई, अब ईमानदारी में छोटा क्या और बड़ा क्या, आदमी या तो ईमानदार होता है या नहीं होता है। जी अब ये देखिए ना, मुस्तफा मेरे साथ पूरा ईमानदार है। जी वो तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें। जहाँ सभी लोग थोड़े बहुत बेईमान हैं, वहाँ एक पूरा ईमानदार आदमी है गुलाम बर्दाश्त कर सकता है। उसे बाद में समझाएंगे, पहले उस महेश को समझा कर आता हूँ जो इस धंधे के उसूल तक नहीं जानता। खुदा हाफिज। मुस्तफा चल बाप को भेज। हा? बाप को भेज चल, फिर अब्बा के मामले में वापस कभी कुछ। अरे क्या अब्बा अब्बा लगा रखा है, तू मेरे पास आ जा, माला माल कर दूंगा। अरे क्या दिया अब्बा ने आज तक तुझे। देख लावारिस को अब्बा कहने का हक दिया, इसलिए अपनी जिंदगी उनके नाम। इस वक्त तुम मेरे यहाँ हो, मैं तुम्हें यही उड़ा सकता हूँ। उड़ेंगे तो साथ में, अकेला क्यों। I'm sorry. चल। बोल, मुझे माफ कर दो, आज के बाद अब्बा के बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगा। बोल। आज के बाद मैं। जोर से बोल, जोर से बोल। आज के बाद मैं अब्बा के बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगा, मुझे माफ कर दो। आप? हाँ मैं हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? तेरे पंख काटने का बंदोबस्त। डैड की बेइज्जती पर बहुत हंस रही थी ना तू? बस आज के बाद हंसना तो क्या, रोना भी तू भूल जाएगी। शहर में यही गाड़ी मिली थी छुपने के लिए। आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं। थैंक यू सर। काय का सर, काय को भाग रही थी, ये तो तुम्हारा धंधा है, क्यों पैसे कम दे रहा था? आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। क्लब में नंगी नाचती हो, ऊपर से गाना चाहती हो, शरीफ हो। गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। देखो रात है, फिर कोई पीछे पड़ेगा, हर जगह मेरी गाड़ी खड़ी नहीं मिलेगी। चलो घर तक छोड़ देता हूँ। ये अभी तक स्याही उतरी नहीं, घस घस के थक गई मैं तो। क्या हुआ, पुलिस की जीप है क्या? नहीं मुस्तफा, आप अंदर आइए ना। तुम एक पेशेवर होटल में नाचने वाली हो, मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा, लोग मुझे तुम्हारा ग्राहक समझेंगे। ये होटल नहीं, किसी का घर है। ये वही मुस्तफा है। कौन? वही जिसने मेरे ऑफिस में घुसकर शर्ट के ऊपर स्याही की छींटे उड़ाए थे। छे, गुंडा मवाली। आइए। कविता। हाँ माँ। ये तुम्हारी माँ है। कौन है बेटी? मेहमान है, घर तक छोड़ने आए हैं। आओ आओ बैठो ना, आओ बैठिए। Thank you.
वो नाचने वाली और वो गुंडा बराबर की जोड़ी है। बेशरम बेहया। छोड़ो जी, हमें क्या लेना। आई मैं चाहती थी कि नटराज की सेवा करे, कला के लिए पैरों में घुंघरू बांधे। घुंघरू तो बांधे मगर पैसों के लिए। मैं चलता हूं। रास्ते में जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा उसे भूल जाओ, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपका क्या दोष, आपकी जगह कोई और भी होता तो यही समझता। औरों में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए। मैं भी औरों जैसा निकला, अफसोस। विद्या, क्या है? कल गार्डन में क्यों नहीं आई? बाद में बताऊंगी। छोड़ो यार, तुम हमेशा मेरी इज्जत के फालूदे उड़ाती हो। मैंने 4 घंटे तुम्हारा इंतजार किया और तुम। अरुण प्लीज, सब लोग देख रहे हैं। अरे देखते हैं तो देखने दो, मैं नहीं डरता किसी से। तुम जानती हो तुम मुझसे एक दिन नहीं मिलती तो मेरा क्या हाल होता है। स्टूपिड गर्ल। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी मैं गार्डन में। गार्डन में नहीं, मंदिर में। मंदिर में क्यों? क्योंकि मैं अब और ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता। आज भगवान के सामने शादी का फुल एंड फाइनल हो जाए। ठीक है, अब चुपचाप टाइपिंग करो। अब क्या है? I love you. अरे भाग्यलक्ष्मी, छुट्टे पैसे दो ना, कब से चिल्ला रहा हूँ। अरे भाई, मेरे पास छुट्टे नहीं है। ठहरो, देखती हूँ शायद विद्या के पर्स में छुट्टे हो। रोज छुट्टे पैसे जमा करती हूँ, ये लोग ले जाते हैं और फिर मुझ पे। मिस्टर दीक्षित, मिस्टर दीक्षित, विद्या, विद्या। क्या हुआ, क्या बात है? पता है क्या किया हमारी बेटी ने? क्या किया है? विद्या ने। क्या है मामा? लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या कर रही हो? लक्ष्मी, डॉक्टर को बुलाओ। मेरी बीमारी की वजह तो ये लड़की है। लड़की देखो जरा उसके पर्स में, देखो तो सही। भाग्यलक्ष्मी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी बेटी अब ब्याह के काबिल हो गई है। तो क्या इसका मतलब है हमें बेइज्जत करेगी? भाग्यलक्ष्मी, मेरा ख्याल है तुम लड़के के घर वालों से मिल लो। मिल लो, पता नहीं कैसे हैं वो लोग। वो लोग अच्छे हैं मामा। चुप कर, दूर हो जा मेरी नजरों से। रो। भाग्यलक्ष्मी, मेरी एक बात मानोगी, तुम एक बार उस लड़की को देख तो लो। मुझे विक्रम के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से मिलना बहुत जरूरी है, इसलिए तुम विद्या से एड्रेस लेकर लड़के वालों से मिल आना। देखिए जी, अरुण हमारा इकलौता बेटा है जी। हम चाहते हैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो। आप फिक्र मत करें बहन जी, अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए, फिर भी हम आपसे कुछ साफ साफ बातें करना चाहते हैं जी। वो क्या है कि 50-60 तोले सोने के जेवर, कलर टीवी, स्कूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि लाख रुपए नगद के तो कई ऑफर हमारे बेटे के लिए आ चुके हैं। मगर भाई साहब, हम लोग तो इतना नहीं दे पाएंगे। हम ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो फिर सामने दरवाजा है, अभी आप जाइए। जब हम अरुण की शादी का कार्ड आपको भेजेंगे तो आप जरूर आइएगा और खाना खाकर जाइए। तो आप 2 लाख रुपया डोनेशन नहीं लाए? नहीं सर, मैं तो सिर्फ मार्कशीट लेकर आया हूँ। सर, मेरे बेटे के 98% मार्क्स हैं। अच्छा? मेरे ऑफिस के बाहर एक कचरे का डब्बा है, जाते वक्त इसे उसमें डाल देना।
मैं मना करके चली आई। अरे भाई, इकलौती बेटी है हमारी। सच कहूं तो मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा, है ना विक्रम? मेरा मतलब है कि इससे हजार गुना अच्छा लड़का हमारी विद्या को मिल सकता है। बस एक बार हमारा विक्रम इंजीनियर बन जाए, सब ठीक हो जाएगा। इंजीनियर बन के क्या फायदा? एडमिशन तो मिल रहा था लेकिन मैंने ना कह दिया। अरे आज सुबह के अखबार में पढ़ा मैंने कि लाखों इंजीनियर्स बेकार बैठे हैं, लाखों। और हाँ, साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हमारा विक्रम बीएससी करेगा, पीएचडी करेगा। हैं? हम कब तक एक दूसरे से छुपाते रहेंगे भाग्यलक्ष्मी? सच तो यह है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। अरे मायूस क्यों हो रहे? धीरज रखें, इनका सब अच्छा होगा। ईश्वर देख रहा है, देखना एक दिन ये इंजीनियरिंग की सीट चलकर हमारे घर आएगी और ये रिश्ता हमारा दरवाजा खटखटाएगा। विक्रम देखो तो बेटा कौन आया है। आप? मुस्तफा। बैठो। दयानंद, मुझे मालूम है तुम्हें बच्चे की शादी के लिए और बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत है। देखो ये इतने पैसे हैं कि इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। बस इसके बदले में तुम्हारे कचहरी में हमारे जो भी पेपर आएंगे उन्हें पास करते रहना। इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो? है? इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो? उस वक्त मैंने तुम्हारे उसूल जाने थे, आज तुम्हारी हालत जान चुका हूं। देखो इस शादी के कार्ड पर तुम्हारे बच्चे का नाम छप सकता है। क्या बोलते हैं तुम हिंदू लोगों में वो चिरंजीव सभा कांक्षिन विद्या। इस घर के दरवाजे पर दूसरी पार्टी लग सकती है, मिस्टर विक्रम दीक्षित बीए बैचलर इंजीनियर। तुम बीमार हो, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही हो, बच सकती हो, समझाओ इसे। हाँ मैं समझ गया। लक्ष्मी, मेरी तनख्वाह से सिर्फ ये घर चला, मगर मेरे उसूलों की वजह से इस घर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है मुस्तफा। मुझे पता था तू भी बिकाऊ निकलेगा, छपवा दे कार्ड। नहीं, ये पैसे मत लीजिए डैडी, आज से मैं अरुण को भूल जाऊंगी। मुझे भी इन पैसों से इंजीनियर नहीं बनना है डैडी। तुम्हारी तो जिंदगी का सवाल है, तुम्हारी क्या राय है? इन पैसों से इलाज करवाने से तो मर जाना अच्छा है। देखा, पैसे लेने के सिर्फ बात से इन पर यह असर हुआ। अगर सचमुच में पैसे ले लेता तो क्या होता? विक्रम बेटा यहां आओ। विद्या बेटी, देखा मुस्तफा, यह है हमारा परिवार। अच्छा है, इसकी एक फोटो उतारो और एल्बम में चिपका दो। वैसे झाड़ पे पैसे लटकते नहीं, तुम्हारा नसीब अच्छा है, बार बार आने को मुझे फुर्सत नहीं, जब जी चाहे उतार लेना।
था। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा काम से आया था। माँ कैसी? उन्हीं के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। बीमार? आओ बैठो, छोड़ देता हूँ।